आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर, मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे, देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, और चाचा भतीजे के फटके में आपका स्वागत है। चाचा आ गए हमारे संग फटके लगाने, और चाचा का दूसरा भतीजा भी आ गया फटके लगाने। और चाचा स्वागत है आपका। चाचा डिस्कशन करने से पहले, समाचार पढ़ने से पहले एक बात बताओ मैडम, आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो, कल दूल्हे माफिक लग रहे थे, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, बात क्या है चाचा? अरे जातीवंतांनी काही घातला तरी ते शोभते, तुला माहित नाही लेका काय कायचं शोभते, हड्ड्या मसानात गेल्या तरी तसेच चमकून राहिले पोट्या। पाय तू खेड्यावरून आला, तू शहराची काही सभ्यता शिकून घे, तुला पुन्हा पाठवून देईन मी गावाला, तू तिकडेच चांगला होता लेका। और चाचा संग पहले समाचार पे फटका खाते हैं। और चाचा पहला समाचार बड़ा विचित्र टाइप का है, उड़िया मारने वाला कोई प्राणी देखा है आपने, जो उड़िया मारता है बहुत, इंसान के जो पूर्वज थे? और जी सही पहचाना एकदम। समाचार ये है कि राजा पेट एरिया में बड़नेरा रोड पर, अमरावती बड़नेरा रोड पर राजा पेट जो एरिया है, वहां पे एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। लगाओ जी फटका। ये फटका लगाने से पहले एक बात कह देना, मैं जरूरी समझता हूं रिकॉर्डिंग के लिए। जब मैं यहां आ रहा है, स्टूडियो को आ रहा था, तो प्रभात चौक स्थित जोशी ब्रदर्स के बाबा राव मस्के, ये अपने सावरकर नगर में रहते हैं अमरावती, वो मुझे मिले। उस व्यक्ति का चेहरा इतना प्रफुल्लित था और इतने प्रेम से स्नेह से आवाज देकर भरी बाजार में मुझे उन्होंने रोका। इस कार्यक्रम के तारीफों के पुल बांधते हुए बड़े खुश 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 दिख रहे, बहुत आनंद, उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे भी बहुत खुश। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम और बनाते हैं आपके लिए, इसके पीछे कारण ही है कि एन केन प्रकरण आपके चेहरे पर हम खुशी के भाव ला सके। बरोबर है। अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार के दुख है, जीवन की गर्द झाड़ने के लिए हंसना हंसाना खुश रहना इससे बड़ी कोई दवाई नहीं, और वो दवाई वो मलम लेके हम आपके समक्ष ये मेरी टीम के साथ में हाजिर होते हैं, आपको आनंदित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में एक प्रयास समाज को उद्बोधित करने का हमारा अवश्य रहता है, कहीं ना कहीं हम एक ऐसा मैसेज दे जाते हैं जो समाज के हित का होता है। कभी ये समाज के, ये कभी इन समाचारों के पीछे, इन फटकों के पीछे, ये हंसी के पीछे आप जाकर देखिए, समझ में आएगा, रह रहे के समझ में आएगा कि कितना गहरा फटका था समाज के ऊपर, कैसा व्यंग था ये व्यंग, ये चमत्कार कि सिटी चैनल आपके लिए निर्मित कर रहे हैं, हम सब आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। अनेक लोगों के फोन, SMS, टपाल सतत सिटी चैनल में आ रही है, सभी हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या नाम की लिस्ट बना के आपके सामने पेश करें, समय मिलने पर हम आपके सामने जरूर सब रखेंगे,
पेश करेंगे, नाम बताएंगे आपको। लेकिन इतने लोग हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप ताजुब करेंगे, ये कार्यक्रम यूट्यूब पे इंटरनेट पर भी देखे जाते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी, सूरत से, बड़ौदा से, भारत के अनेक शहरों से लोगों के नेट के ऊपर प्रतिक्रियाएं मिल रही है हमें। भारत से तो मिल रही है, अमेरिका और कनाडा, यहां से भी प्रतिक्रिया आ रही है, खुश हो रहे हैं अमरावती की ये प्रगति देख के, ये समाचारों को सुन के, ये हास्य समाचार सुन के, जानकारी लेके। वो कहते हैं देश से हजारों माइल दूर बैठे बाद में भी हमें ऐसा लगता है हम अपने गांव के गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए अपने दोस्तों से बतिया रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारी हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो दोस्त, फिर चाचा जो कह रहे हैं एकदम सही है, आपके हौसला अफजाई से ही हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो चाचा अगले समाचार पे फटका लगाते हैं कि बड़नेरा रोड पर राजापेट के पास एक बंदर ने, वानर ने आतंक मचा रखा है। लगाओ जी फटका। आप देखिए भाई, इसमें क्या लगता है आपका, अगर कहीं ख्याल नहीं रहा तो आप मार्क करिएगा, बंदर किसी भी रास्ते से आपके घर में घुसने का प्रयत्न करता है और घुसे बाद में सबसे पहले किचन में जाता है, वहां से रोटी वोटी जो भी खाने की चीज मिल जाए वो ढूंढ के निकाल लेता है। तो ऐसा ही ये बंदर किसी नेता के घर में घुस गया होगा और गलती से उसकी रोटी खा लिया उसने, और रोटी खाए बाद में ये नेता लोग जिस प्रकार भारत में आतंक मचाए हुए है, उधम मचाए हुए है, उस प्रकार ये बंदर अमरावती के शहरों पर सड़कों पर उधम मचा रहे हैं। बराबर है। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। अगले समाचार पे चाचा से फटका खाते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कल यवतमाल में आए थे काका। हाँ। यवतमाल में आए तो अब इन्होंने वादा करना तो आदत होती है जी, हाँ। नेताओं की, मुख्यमंत्री साहब ने तो सारी हदें तोड़ दी, उन्होंने जो वादों की झड़ी लगा दी के मत पूछो। अब सामान्य आदमी होता तो एक दो चार वादे करते, अब मुख्यमंत्री है तो वादों की झड़ी लगाएगा ना, कम तो लगाएगा नहीं। मुझे तो राजेश खन्ना का वही गीत याद आता है, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, अरे वादे पे तेरे मारी गई जनता ये सीधी सादी, वादा क्या बात, तेरा वादा, क्या बात, बहुत क्या बात, वादा क्या बात, वादा क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। अगला समाचार ये है कि कांग्रेस भारत को बनाएगी महासत्ता। वाह, बिल्कुल बात सही है आपकी। हाँ। महात्मा गांधी ने स्वराज दिलाया तो लोगों का भरोसा रहा। बराबर, महात्मा गांधी पूजित, अब कांग्रेस महासत्ता बनाएगा। अरे भाई कब बनाएगा, सन 1947 में आजादी दिया, आज सन 2011 चालू, अभी तक तो हम बने नहीं, नहीं अब पता नहीं कब बनते। अरे मुझे तो लगता है दोस्तों आप महासत्ता तो नहीं बनाएंगे, भारत भूमि को महाभारत का मैदान बना के छोड़ देंगे। क्या बात है, क्या बात, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। ओ, अगला समाचार है जिसपे चाचा से फटका खाते हैं, मामला है शादी का। गांधी फैमिली के वरुण गांधी की कल शादी हो गई, लेकिन ताई सोनिया, हाँ। और भाई राहुल शादी में कौन नहीं गए, कौन नहीं आए, नहीं। अरे हेलो सर, एक मिनट, ये राजनीतिज्ञ रहते हैं ना, हाँ। इनको फटका मारने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, पहले एक मैं काम करूं, जो मारो कर्तव्य है, मारी उम्र बोले माने जो करण रवाज थे वो काम करूं। पहले तो वो नव वधु वर वधु ने मैं हार्दिक आशीर्वाद दिया और मुझे अच्छा लगा कि वरुण ने शादी कर ली। क्यों, कि राहुल का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, पता नहीं कब करेगा, करेगा अभी कि नहीं करेगा। तो भारत की नौजवान पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को
कांग्रेस का कोई ना कोई, गांधी परिवार का कोई ना कोई नेता तो चाहिए कि नहीं? जैसे हम पे भी राहुल गांधी जी हैं, वैसे हमारे बच्चों पे उनके बच्चे होंगे। तो अब वो जो प्राप्त होगा तो वरुण बाबा की मेहरबानी से ही प्राप्त होगा ना। अब रही ताई सोनिया और भाई राहुल, ये शादी में नहीं आए, आता पाई लेकर आमचा वराड़ा आता लग्न मटला म्हणजे घाई गर्दी, आपातापी, भागम भाग, खर्चे, अनावश्यक खर्चे, रुसवे, फुगवे, हे सगळं राहतच का नाही? हो हो राहतात। आमच्या घरात तर जास्त आहे का? तो भाई चाचा थाम भतीजा। चाचा के पसंद की खबर है, चाचा बड़ा योग्य पढ़ बेटा पढ़, चाचा बड़ा योग्य करते हैं। हेमा मालिनी, अरे नहीं, नहीं। तो मेरे पसंद की बोला तो मेरे को एकदम तबियत खुश हो जाती मेरे। तू यार एकाधी खबर ढूंढ लिया कर पेपर में। ओ चाचा थारी खूबसूरती का राज, सुबह सुबह उठ के जो योगा करते हो ना, हाँ वो तो योग गुरु रामदेव बाबा को। हाँ ठीक, बोल बोल। योग गुरु रामदेव बाबा को अब मिलेगा राजयोग। समाचार नहीं बोलते राजयोग। अरे योग गुरु रामदेव बाबा योग से राज्य प्राप्त करने की कोशिश में लगा है, अंदरूनी कोशिश जारी है कोशिश। अरे करोड़ों करोड़ों रुपए जमा कर लिए, सिर्फ भारत में नहीं देश विदेश में। और आप बोलते हैं सभी लोगों के काला धन किसका कहां जमा है, लिस्ट है मेरे पास, वो निकालूंगा। अरे अपने पीछे जो भीड़ दिख रही है बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव को ऐसा लग रहा है कि वो सारे वोटर है उसके। अरे भैया गफलत में मत ही रहना, और जितना धर्म गुरु बड़ा बड़ा लोग हो जावे ना, पूरा लारे भीड़ तो बहुत हो जावे, पर जब टेम पड़े ना वो टेम पर वो सारी भीड़ पीछे मुड़ के जब देखना तो गायब रहे। गलती मत कर भाया, जहां जो काम कर रहा है वही ठीक है। भारत को योग की जरूरत है, उतना ही सिखा दे, उससे आगे मत बढ़ दोस्त। तो भाई चाचा थाम भतीजा। ओ अगला समाचार फिर से जरा गरम भी है और थोड़ा काका समझ लगे भी बिल्कुल मामला के हाथ लावला शिवा पकड़ तस कस पकड़ू ये तो कमाल है। कसा कमाल तो तेरा ना हाथ लावला शिवा चाचा का भतीजा हो, बिना पकड़े तू पकड़ ले काका को, नजर में पकड़ दो। परिस्थिति सुधारने के लिए सारे नेता पड़े, कैसे करते हो? बिना परिस्थिति को समझे, बिना कुछ किए, बस हमें प्रयासरत रहो। चाचा समाचार जो है अगला के टीम अमितेश कुमार ने टीम राव साहब को धुनका। राव साहब हाँ शेखावत यहाँ मेरे भतीजे। हाँ जी हाँ हाँ भतीजे ही हुए ना भाई। देखो शेखावत जी मेरे भाई हुए, समझो ऐसा या गांव नाते से गांव गाठनी गांव रिश्ते से जिसको अपन बोलते हैं। अमितेश जी कुछ नहीं, वो तो अपने क्या बोलते मेहमान है, आज आए कल चले जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, तो चलता रहे। अब रही बात राव साहब जी, तो रिश्ते में अपने सबके भतीजे लगे, बच्चा है छोटा है ना, अब राजनीति में आ गया तो कुर्सी को सम्मान है, उसकी कुर्सी का सम्मान रखते हुए एक बात जरूर बता दूं राव साहब, राजनीति का खेल डॉक्सर का होता है, कबड्डी क्रिकेट ये खेल घुटनों का होता है, मनगट का होता है, सबको नहीं जमता। यस क्या बात। तो भाई चाचा थाम भतीजा। अगला समाचार पे चाचा से फटका खाते हैं कि समाचार ये है चाचा के प्रेमी ने प्रेमिका को बीच में ही रोते हुए छोड़ के भाग गया। बीच में है ना सड़क में रास्ते पर।
बड़ी गहन बात है। यह समाचार समाज का दर्पण लेके सामने आया है। मैं उन बच्चों को, हमारी उन बेटियों को, बहनों को कह देना चाहता हूं, समझा देना चाहता हूं कि बेटे मुंह पे दुपट्टा बांध के अंधेरे कोनों में खड़े रह के जिस विषय की चर्चा की जाती है, ये विषय आपके हक में नहीं। खरी है। ये काम हक में नहीं। प्रेम जरूर करो, सच्चा करो। क्या बात। अपने मन पसंद की शादी करना, अपना मन पसंद का पात्र ढूंढ लेना गलत नहीं है, आज के जमाने की मांग है। माता पिता का भी इन चीजों में विरोध नहीं है। माता पिता चाहते जो है उनके दिल को ऐसा समझिए, उनके दिल में हमेशा भावना होती है कि मेरा बच्चा अब परिपक्व है, कहीं गलती ना कर जाए, इसलिए सतत आप पर ध्यान रखते हैं, और आप दुपट्टा बांध के मुंह पर बहुत गलत। आपका प्रेमी अगर सच्चा है तो आपसे कभी ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं करेगा कि जिसकी पूर्ति पर आपको और आपके परिवार को सारी जिंदगी जिल्लत की जिंदगी जीना पड़े, कभी नहीं हो सकता। मत कीजिए ऐसा कृत्य, मत कीजिए। आपके मां बाप पर भरोसा रखिए, आपके लिए अच्छे में अच्छा ढूंढेंगे, अच्छे में अच्छा करेंगे। इस पर भी आपको लगता है तो अपने मां बाप की सलाह लीजिए, उन्हें अपना दोस्त समझिए, अपने रहनुमा समझिए, वो आपकी मदद करेंगे। वो कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, पुरानी पीढ़ी में पुराने जमाने में रहने वाले ऐसे लोग नहीं है कि जो आपको समझ नहीं सके, आपकी भावना को नहीं समझ। बिल्कुल समझ। अरे आपकी उम्र से वो भी गए हैं, वो भी कभी आपकी आपकी जितनी उम्र के रहे हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं। आज देश काल परिस्थिति के हिसाब से वे भी परिवर्तित हुए हैं। मत करिए ऐसा काम। और जिन बच्चों के हाथ से गलती हो जाती है, उन बच्चों को मैं ढाढ़स बताते ये जरूर कहना चाहूंगा, बीती ताही बिसार है, भूल जा, भूल जाओ सब। एक छोटी सी दिल को छू देने वाली चार लाइन अनायस याद आई है, आप भी सुन संगा। ये मले आएगा चाहे ना, बिल्कुल कचरा ही कर डालता है बिल्कुल। अब मले विषय जरा तो आवड़ना ना, ऐसी चरम इस पर पहुंच जाती ना, वहां से गिरा देता है एकदम। नहीं नहीं, विषय आवड़ना मले, मैं बढ़िया सांगूं ना। आवड़ना? हाँ। आए हिंदी में, हिंदी में और बड़ी गहराई लिए है। दबदबा आए, दबदबा आए बावरे दोनों नयन। क्या बात, क्या बात है। छल छला आए बावरे दोनों नयन, तो वेदना की अर्चना कर। दबदबा आए बावरे दोनों नयन, तो वेदना की अर्चना कर, फिर नया श्रृंगार करना। फिर से सुनिए। दबदबा आए दोनों नयन, तो वेदना की अर्चना कर, फिर नया श्रृंगार करना। प्रणय में हार कर भी ओ प्रिय श्रृंगार करना, प्रणय में हार कर भी ओ प्रिय श्रृंगार करना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो भाई चाचा हाँ भतीजा। अरे काका मी काय म्हणालो, मले महानगरपालिकेची सप्रेम भेट डायरी भेटली, मी तुम्हाला दाखवतो आता। वा वा वा, तुम्हाला देतो हे घ्या, तुमच्यासाठी आणली मी। हाय लिखा। वा वा वा, पाव खूप सुंदर, खूप सुंदर। वा वा काय, सर्व अमरावती शहराचा आहे, अमरावती शहराचा इतिहास। हो पूर्ण महानगरपालिका कवा झाली, हा पूर्ण पूर्ण आहे। भौगोलिक महत्व, बिलकुल बिलकुल। मंदिर, बिलकुल। किती आढावा आहे, बिलकुल। सर्वसाधारण माहिती, हा किती लाईट आहे, हा हा। अरे वा वा, पदाधिकारी किती आहे, हा सर्वच आहे। आज पावतो किती महापौर झाली अमरावतीला, किती काय म्हणते आपण,
नगरपालिकाचे पूर्वी हे राहत होते ना का नगरसेवक नाही नगरसेवक तर आहेत लेखा हा अरे कार लेखा हा याचा तर सगळ्याचे फोटो आहे हो आपला किशोर भाऊ सुनील भाऊ अरे बापा 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 वा 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 सर्वच आहे ना अमरावतीचे रस्ते ते पूर्ण आहे ना आपला किशोर भाऊ सुद्धा पण एक एक सांग भाऊ की तुझी डायरी मी पाहिली नाही का अरे याचा सुभाषित आहे हो फर्स्ट क्लास वा 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 स्वच्छता राखी तोच आरोग्य चाकी लोभीपणा हे महापाप है बरोबर आहे वा वा काय वा खूप सुंदर पण का हो भाऊ याचा ही डायरी अमरावती के गुणगान करने वाली सत्ता की शक्ति प्रदर्शित करने वाली डायरी इस डायरी में देखिए आपके कहीं हाथ में आ जाए तो देखिएगा उन महानुभावों का नाम नहीं है उन देशभक्तों का नाम नहीं है जिन्होंने भारत की आजादी में अपना सर्वस्व बलिदान किया अमरावती के किसके किसके नाम लू आपको दादा साहब खापड़े दाजी साहब पटवर्धन वीर वामनराव जोशी गवई दादा अरे किनके किनके नाम लू और किसके किसके नाम भूलू जिनकी धरती पर हमारे पैर जमे हुए हैं उस धरती को हम भुला देना चाहते हैं अरे दोस्तों ये प्रयत्न करने वालों मेरे दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको भी ये भुला देंगे आप सबको भुला देंगे नई पीढ़ी जो आएंगे नवे जो नेता आएंगे नवे जो महापौर आएंगे सब भुला देंगे दोस्त हाँ भले ये तेरी डायरी बहुत सुंदर बहुत अच्छी है मगर इसमें मेरे देशभक्तों का मेरे अमरावती के कर्तृत्ववान लोगों का अगर नाम नहीं है अगर उनके फोटो नहीं है उनके कर्तव्य की कहीं कोई लिखान नहीं है तो मुझे नहीं पसंद आपकी ये डायरी आपको मुबारक अरे नहीं ना इज्जत पाना नको मारा नको ओके राय तो ये थे चाचा चाचा के संग आपने खाए फटके आपने लिए चाचा के फटकों के मजे चाचा थारो भी शुक्रियो और निशान थारो भी शुक्रियो हम सब ने उस जनता का उनका शुक्रिया मानना चाहिए कि हमारी झोली भर दी उन्होंने हमारे उत्साह को अनेक गुना बढ़ा दिया आपके एक फोन ने 28 की जो इच्छा थी है ना 36 की हो जाती है दोस्त 36 की आपके फोन से बहुत बहुत धन्यवाद क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा अरे क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा।